बसमिल राम अल्कम डर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक वोल्टिक सेल और गिलवैनिक सेल एक ही नाम है एक ही चीज़ है दोनों एक ही सेल के दोनों नाम हैं और जो बुक पे हमें एक सेल बना के दिखाया गया आज आज के लेक्चर में हम उसके बारे में बात करेंगे दैट सेल इज़ वोल्टिक सेल एज यू नो वोल्टिक सेल इज़ दैट सेल इन विच केमिकल इनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू अलेक्ट्रिकल इनर्जी बाय अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो यहाँ देखते हैं कि एक सेल की कंपोजिशन दिखाई गई है आपने याद रखना है बेसिकली जो सेल दिखाया गया है हमें बुक के अंदर वो है जिंक कॉपर सेल ये जो जिंक कॉपर सेल है बेसिकली एक साइंटिस्ट है जिसका नाम डेनियल है ये इसको डेनियल सेल भी कहते हैं साइंटिस्ट के नेम पे ये बात मैंने अपने दूसरे लेक्चर में भी की है एक्चुअली ये टॉपिक जो है वो अंडर आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जिसको हम रिलेट कर सकते हैं ओवरऑल सेल पोटेंशियल से भी तो ये भी बेसिकली हमारे सिलेबस का हिस्सा ही है अब मैं डायरेक्ट आपको इसकी कंपोजिशन दिखाता हूँ सेल की आपको पता है कि जो हमारे पास वोल्टिक सेल होता है उसके दो हाफ होते हैं एक हाफ जो है वो रिडक्शन uh, हाफ़ कहलाता है और जो दूसरा हाफ है वो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ कहलाता है अब कौन सा रिडक्शन हाफ होगा और कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ़ होगा इस चीज़ को हमने बड़े गौर से देखना है थोड़ा सेल बनाते हुए थोड़ा एक हिस्सा मुझसे ऊपर बन गया एक थोड़ा नीचे बन गया इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा लेकिन बेसिक चीज़ है कॉन्सेप्ट्स को सीखना कि किस टाइप के एम आएंगे आपने इन के पेपर में डायग्राम तो ड्रॉप करनी ही नहीं है अब मैं बताने जा रहा था कि कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ़ होगा और कौन सा रिडक्शन रिडक्शन हाफ होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जो एलिमेंट सीरीज़ में ऊपर है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है वो हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ का काम का करता है वो हमेशा एनोड का काम का का करता है उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है आपको याद है ना गलवैनिक सेल में एनोड पे ऑपोजिट चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट पोजिशन में नीचे होगा उस पर हमेशा रिडक्शन होगी और वो वो जो है कैथोड का रोल प्ले करेगा और उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे हमने दो हाफ लेने हैं एक तरफ मैंने जैसे पहले बोला जिंक हमने लेना है तो जिंक को मैंने डिप कर दिया जिंक के ही वन मोलर सोल्यूशन में आपको याद है ना जब हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मयर करते हैं या हम मयर करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो उस वक्त हम एक मेटल को उसके अपने ही वन मोलर सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं तो यहाँ पे हमने जिंक की एक स्टिप ली जो कि सॉलिड है और जिंक की स्टिप को उसके अपने ही वन मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप कर दिया ये एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन लिया है साथ में मैं लिख देता हूँ वन मोलर वन मोलर सॉल्यूशन है यहाँ पे तो ये जो वन मोलर सॉल्यूशन है इसके अंदर डेफिनेटली कौन से आइंस हैं इसके अंदर जिंक आइंस हैं और सल्फेट आइंस हैं तो जैसे आपने सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका बनाया आप देखेंगे कि जिंक यहाँ रिएक्शन भी दे देता हूँ जिंक सल्फेट जो है वो आयोनाइज हुआ एक्वस फॉर्म में और यहाँ पे जिंक आइंस प्रोड्यूस हुए एक्वस फॉर्म में साथ में सल्फेट आइंस प्रोड्यूस हुए रिएक्शन को देखें जब वन मोल सॉल्ट यूज़ किया वन मोल सॉल्ट सॉल्यूशन यूज़ किया जिंक सल्फेट तो जब वो आइनाइज हुआ तो यू विल ऑब्जर्व हेर वन मोल जिंक आइन आर प्रोड्यूस जेड एन प्लस टू एंड वन मोल ऑफ सल्फेट आइन प्रोड्यूस ओवरऑल अगर आप इनकी क्वांटिटी देखते हैं इनकी कंसनट्रेशन देखते हैं तो जिंक आइन की कंसंट्रेशन जो है इस टाइम सोल्यूशन के अंदर एग्जैक्टली इक्वल है नेगेटिव आइन के सल्फेट आइन के और ये इन दोनों की जो यहाँ पे क्वांटिटी वन मोल ईच है कंसनट्रेशन जो है वन मोल ईच है आइंस बराबर है एवेगेडोज नंबर ऑफ आइंस हैं दोनों का जिंक भी एवेगेडोज नंबर ऑफ आइन है और सल्फेट भी एवेगेडोस नंबर ऑफ आइंस है जैसे आपने स्ट्रिप को इसमें डिप किया जैसे मैंने अपने लेक्चर में बता चुका हूँ तो हमने देखा कि जिंक थोड़ी सी जिंक डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है और जिंक डिजॉल्व होने के बाद हम क्या करती है कि जिंक जो स्ट्रिप के आइन्स हैं स्ट्रिप के आइन भी सोल्यूशन में निकल आते हैं और कुछ जिंक के आइंस और बन जाते हैं जेड एन प्लस टू और जो इलेक्ट्रॉन है हर दफ़ा बेसिकली आप देखेंगे ये जो जिंक का सॉलिड में एटम है स्ट्रिप में वो आइनाइज होता है आइन फॉर्म में सोल्यूशन में उतर आता है एक्वस में साथ में टू इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमें पता है पहले हमने बोला कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो पोजीशन में ऊपर एलिमेंट होगा वो ऑक्सीडाइज होगा जैसे जिंक पोजीशन में ऊपर है तो ये ऑक्सीडाइज़ होगा कॉपर पोजीशन में नीचे है तो वो रिड्यूस होगा जिंक ऑक्सीडाइज हुआ सोल्यूशन में अब आपने देखा एक तो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है सोल्यूशन में जिंक आइंस की क्वांटिटी अब बहुत ज़्यादा होगी बिकॉज ये जो मैंने ब्लू से इंडिकेट किया है ये वाले जिंक भी साथ येलो जिंक के साथ ये भी ऐड हो गया मीटोसे तो जिंक के साथ और ये जो डिफरेंस uh, है अब वो ग्रेटर हो गया जिंक आइंस बिकम ग्रेटर देन सल्फेट आइन सल्फेट आइन अभी भी एक मोल है बट जिंक आइंस इस टाइम एक मोल से ज़्यादा हो गए इसकी क्वांटिटी एक मोल से ज्यादा हो गई है तो ये यह, यहां आपने बात याद रखेंगे ओवरऑल सोलूशन अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिवी चार्ट ऑलरेडी मैं बताया था हमने लास्ट लेक्चर में भी अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ गए हैं जैसे ही जिंक का एटम सोल्यूशन में उतरता है तो इलेक्ट्रॉन तो वहीं छोड़ आता है तो इसका मतलब है स्ट्रिप के अंदर बहुत सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं ओवरऑल स्ट्रिप के अंदर एटम की तादाद कम हो गई है और इलेक्ट्रॉन बेसिकली ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन तो उतने ही थे जितने पहले मेटल के अंदर फ्री मूव करे थे आपको पता ना सॉलिड मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं फ्री मूव कर रहे होते तो हैं इलेक्ट्रॉन तो उतने ही है लेकिन एटम कम हो गए रेशो वाइज इलेक्ट्रॉन बढ़ गए एटम से सो तो ओवरऑल जिंक स्टेप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया इसी वजह से तो यहाँ पे हालांकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है लेकिन चार्ज फिर भी स्टेप के ऊपर नेगेटिव है और सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव है एक डिफरेंट सेटअप हो गया जिसको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहते हैं अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन को मेंटेन किया हुआ हो आपको पता है स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में हम ट्वेंटी फाइव सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं जो टू नाइन्टी एट कैलवन के बराबर होता है और मोलैरिटी अपने याद रखनी है वन मोलर जिंक सल्फेट तो ये सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने इस साइड पे सेट कर दिया आपको बता भी दिया कि क्यों जिंक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है अब दूसरे हाफ की तरफ जाते हैं दूसरे हाफ में आपने जो स्ट्रिप डिप करनी है वो कॉपर की स्ट्रिप है कॉपर मेटल है उसी तरह से और कॉपर मेटल को जिस सोल्यूशन में डिप किया है वो वन मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और डेफिनेटली uh, वाटर के अंदर है एक्वस फॉर्म में है तो ये वो आप नोट करेंगे कि सोल्यूशन के अंदर आप क्यूप्रिकाइन क्यूप्रिकाइन है क्यूपरस नहीं है प्लस टू हो तो क्यूप्रिक होता है क्यूप्रिकाइन है एंड एट द सेम टाइम देर आर सल्फेट आइन आर प्रेजेंट इन दिस सोल्यूशन और एग्जैक्टली exactly यहाँ पे फिर मैं दोबारा बात करूँगा आपसे कि ये आइन्स की जो क्वांटिटी इस टाइम इस साइड पे भी है ये भी बिल्कुल बराबर है वन मोल क्यूपरिक आयन एग्जैक्टली इक्वल टू वन मोल ऑफ सल्फेट आयन इन दिस सोल्यूशन अब हमने क्या किया स्ट्रिप को इसके अंदर डिप कर दिया और स्ट्रिप भी आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे कॉपर की है तो इस केस में क्या होगा कॉपर की रिड्यूसिंग पार ज्यादा हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रेफरेंस हाइड्रोजन से जौन सा भी एलिमेंट पोजीशन में नीचे होता है उसकी रिड्यूस होने की पार ज़्यादा होती है और जो ऊपर होगा उसके ऑक्सीडाइज वैसे भी जिंक और कॉपर को कंपेयर करें तो कॉपर की रिडक्शन कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होने का मतलब यह है इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जिंक तो कॉपर ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किए तो यू विल ऑब्जर्व कॉपर ने क्या किया कॉपर जो सोल्यूशन में क्यूपरिक आइन थे क्यूपरिक आइन सोल्यूशन के अंदर वो स्ट्रिप के पास गए स्ट्रिप से टू इलेक्ट्रॉन गेन किए और रिड्यूस हुए इन टू कॉपर सॉलिड तो आप देखेंगे ये जो स्ट्रिप में बहुत सारे क्यूपरिक आयन थे या आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और स्ट्रिप का साइज भी पहले से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा यू विल ऑब्जर्व पे स्ट्रिप ज्यादा हो रही है क्योंकि कॉपर आइन ज्यादा लग रहा है स्ट्रिप के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। पहले जितने भी स्ट्रिप के अंदर मेटल स्ट्रिप के अंदर रॉड के अंदर कॉपर थे अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तो गेन करने के बाद ऊपर एड होते जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन कहां से गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है मेटल स्ट्रिप के अंदर डिलोकलाइज होते हैं मेटल स्ट्रिप से इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं मेटल स्ट्रिप से इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और साथ ही मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो गए अगर ओवरऑल देखें तो नंबर ऑफ एटम इन द स्ट्रिप इंक्रीजेस और रेशो वाइज इलेक्ट्रॉन तो अभी भी स्टेप में ही है बेशक पहले भी स्टेप में थे अब भी और एटम ने इनको शेयर कर लिया साथ में और एटम आ गए जो साथ अटैच हो गए लेकिन अब नंबर ऑफ़ शेयरिंग एटम बढ़ गए हैं नंबर ऑफ शेयरिंग एटम बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो बाय रेशो स्टेप में इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए और एटम ज़्यादा हो गए इसी वजह से स्टेप के ऊपर इस केस में पॉजिटिव चार्ज लिखा जाता है और सोल्यूशन ओवरऑल इस केस में नेगेटिवली चार्ज हो जाता है अगेन अ पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप इस केस में भी पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है और स्टैंडर्स सेल पोटेंशियल मैयर करने के लिए हम इस ऑपरेटर्स का भी यूज करते हैं वन मोलस कॉपर सल्फेट और यही टेम्परेचर इसमें भी है ट्वेंटी फाइव सेल्सियस अच्छा जैसे ही बैलेंस डिस्टर्ब होता है आप देखेंगे सोल्यूशन के अंदर क्यूपरी की आइन बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि वो स्टिप के ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं और सल्फेट आइन जो है वो रह जाएंगे तो यू विल ऑब्जर्व इस केस में सल्फेट आइंस विल बी ग्रेटर देन क्यूपरिक आइन एक्व फॉर्म में तो अब इस साइड पे बैलेंस क्या है इस साइड पे सल्फेट आइन ज़्यादा है रिडक्शन हाफ में इधर बेसिकली रिडक्शन ही है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सामने लिख भी देता हूँ इज रिडक्शन और लेफ्ट साइड पे जिंक हाफ में ऑक्सीडेशन हुई थी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था यहाँ आप ऑब्जर्व करें तो जिंक आइन की क्वांटिटी ज़्यादा और सल्फेट कम है इस साइड पे ऑब्जर्व करें तो सल्फेट आइन ज़्यादा है और क्यूप्रिक आइन की क्वांटिटी कम है ये दो हाफ सेल से लल मैंने इस्टेब्लिश कर ली है अच्छा अब हमने इसको करंट बनाना है वोल्टिक सेल वोल्टिक सेल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है एक मेटालिक वायर लें और मेटालिक वायर से दोनों रॉड्स को जिंक और कॉपर के रॉड को कनेक्ट कर दें दोनों स्ट्रेप को कनेक्ट कर दें और दरमियान में आप यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप दरमियान में यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा लें वी फॉर वोल्ट वोल्टेज को मैयर करने के लिए टोटल सेल पोटेंशियल मैयर करने के लिए टोटल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मैयर करने के लिए टोटल वोल्टेज और यू कैन से ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैयर करने के लिए सब चीज़ें यहाँ पे होंगी यहाँ से करंट का फ्लो का भी पता चल जाएगा हमें पता है कि जिंक रॉड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है तो इस वजह से इट विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे और कॉपर स्टेफिन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप दोबारा लेफ्ट पे आता हूँ लेफ्ट में हमने देखा कि जिंक जब ये रिएक्शन पे आता हूँ जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो स्ट्रिप के अंदर चले गए यही इलेक्ट्रॉन मूव करते करते कॉपर के पास गए और कॉपर ने यह इलेक्ट्रॉन ऑफर कर दिए क्यूपरिक आइन को क्यूपरिक आइन ने गेन किया रिड्यूस रिड्यूसर कॉपर सॉलिड बनता गया ये रिएक्शन है और सर्किट पूरा हुआ एक्सटर्नल सर्किट इसको कहते हैं एक्सटर्नल वायर मेटालिक वायर है मेटल के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो इस कंडक्शन को मेटालिक कंडक्शन भी बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन भी बोलते हैं तो लेकिन जब सोल्यूशन में से आयंस के थ्रू करंट पास करता है तो उसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन बोलते हैं इस डिफरेंस को भी याद रखिएगा इससे भी एमसीक्यूज बन सकता है अब यहाँ पे मैं आपको करंट का फ्लो भी बताना है मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर में ये बात बता चुका था कि अगर आपके पास ग्लवानोमीटर पर नीडल नज़र आ रही हो ऐसे जीरो पे इसका मतलब है करंट पास नहीं हो रहा है इस टाइम लेकिन जैसे ही करंट पास होता है अगर करंट इस साइड से पास होना शुरू हुआ इसके अंदर इस इस डायरेक्शन को जा रहा है तो यू विल ऑब्जर्व कि इसकी जो नीडल है अपनी पोजीशन बदलेगी और राइट एंगल राइट साइड पे वो जाएगी बैंड करेगी मतलब जिस साइड से करंट आ रहा है ऐसे दूसरी साइड जिस साइड पे करंट है हमेशा नीडल नीडल की डायरेक्शन उस साइड को हो जाएगी जैसे यहाँ से जिंक से करंट आ रहा है कॉपर की तरफ जा रहा है ये ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है डेनियल सेल में से यही फ्लो का पास्ट पेपर में तो आपने बी केयरफुल यहाँ जितनी भी बातें इंफॉमेशन है सारी अप्रॉक्सीमेटली पास्ट पेपर में कवर की गई स्पेशली ये सवाल जो मैंने बोला तो यहाँ पर हमने एक ग्लैनिंग सेल स्टेब्लिश कर लिया लेकिन एक प्रॉब्लम इस ग्लवैनिंग सेल में आती है अब आप देखें प्रॉब्लम से पहले एक और बात करता हूँ जब तक ये रिएक्टेंट है रिएक्टेंट कौन सा सोलूशन में आने जाते जा रहे हैं इस साइड पर कॉपर की स्टिप बढ़ती जा रही है जब तक सेल का पूरा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता लेकिन अभी सेल रिएक्शन पूरा हुआ नहीं होता कि दरम्यान में एक प्रॉब्लम आ जाती है प्रॉब्लम क्या आती है नेट अकोमोलेशन ऑफ चार्जेस लेफ्ट साइड पे जिंक हाफ में जिंक आयन नेट अकोमोलेटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि तो जैसे जैसे प्रोसेस चल रहा है जिंक आयन बढ़ते जा रहे हैं सोल्यूशन के अंदर बिकॉज स्टिप डिजॉल्व होती जा रही है और सल्फेट आइन कम पड़ते जा रहे हैं और राइट साइड पर क्या हो रहा है राइट साइड पर अप्रोसीमेटली जितने भी क्यूप्री आइन है सारे स्टिप के ऊपर डिपॉजट होते जा रहे हैं और रिमेनिंग में सल्फेट तो इस साइड पर नेट अकोलेन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया है इस साइड पर नेट अकोमोलेशन ऑफ नेगेटिव सल्फेट चार्जेस हो गया तो अगर ऐसा हो जाए तो हमने देखा है सेल ड्रॉप इट्स वोल्टेज आप टू ज़ीरो सेल की वोल्टेज सेल करंट प्रोड्यूस करना छोड़ देता है वोल्टेज जीरो हो जाती है

एक इन्वर्टेड सी ग्लास ट्यूब है या किसी और मटेरियल की ट्यूब भी हो सकती है जो जिसका एक एंड एक हाफ में डिप्ट है दूसरा एंड दूसरे हाफ में डिप्ड है मर्ज किया हुआ है और ये दोनों एंड जो है कॉटन कॉटन प्लग से बंद किए हुए कॉटन वूल से बंद किए हुए हैं कॉटन वूल का काम है कि इसके साल का मटेरियल जो है सॉल्ट ब्रिज के साथ मिक्सअप ना होने देना अब इस सॉल्ट ब्रिज में क्या है ब्रिज का मतलब ये दोनों को कनेक्ट करना आपको पता है ब्रिज का मतलब क्या होता है तो यहाँ पे हमने सॉल्ट ब्रिज में यूज क्या करना है भाई डेफिनेटली एक जेल है

जेल में हम यूज करते हैं अब इसका फंक्शन क्या है सिंपल इसका फंक्शन है माइग्रेशन ऑफ सल्फेडाइन फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम राइट साइड फ्रॉम कॉपर हाफ फ्रॉम रिडक्शन हाफ वेर इट्स इट्स कंसंट्रेशन इज वेरी हाई

तो अगर डिजिटल वोल्ट मीटर है तो ये नंबर आ जाता है वन पॉइंट वन डिजिट्स नज़र आ रहे थे लेकिन अगर हमारे पास ये इस तरह का नीडल वाला एक वोल्ट मीटर है तो डेफिनेटली उसमें नीडल भी शोरी होती है कि वन पॉइंट वन पर इस तरह के वोल्ट मीटर आपने देखे भी हुए हैं लास्ट एक बात और शेयर करूंगा तो हमारा ये लेक्चर वोल्टिक सेल का कंप्लीट हो जाएगा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो एम सी यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने याद रखने जिस टाइप के एम सी यू डेवलप हो सकते हैं कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ ये पूछ सकते हैं आप कहेंगे जिंक ऑक्सीडाइज हुआ किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई आप बोलेंगे जिंक की ऑक्सीडेशन हुई कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है आपको पता है जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है और सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं किसकी रिडक्शन हुई क्यूप्रिक क्यूप्रिकाइन की क्यूप्रिक की सी प्लस टू की और कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए ये भी पूछा जा सकता है एक्स इलेक्ट्रॉन पूछे हो तो एक्स इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं जिंक ने टू लूज किए इसने टू इलेक्ट्रॉन गेन किए पूछा जा सकता है जो क्यूप्रिकाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट है? है भाई अगर इसकी रिडक्शन हुई तो कौन सा एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा फिर सॉल्ट ब्रिज का सवाल आपसे पूछा जा सकता है जो मैंने बताया चार्ज पूछा जा सकता है आपसे स्टिप पे नेगेटिव चार्ज किधर है पॉजिटिव चार्ज किधर है वो सारा बता सकता है और बताया जा सकता है डायरेक्शन जैसे मैंने बोला तो काफ़ी बातें मैंने ऑलरेडी कवर की इतनी बातें अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ये टॉपिक आपका मुकम्मल रेडी है आप इसमें से कोई सवाल मिस नहीं करेंगे और आप बिल्कुल वरिण ना हो आपका टॉपिक ये हंड्रेड रेडी होगा लास्ट लास्ट में मैं बताऊँगा डी सेल की प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है ये ऑलरेडी मैंने पहले भी लेक्चर में बताया सो इस पर ज्यादा टाइम लगाने वाला नहीं है जल्दी से इसको सॉल्व करने वाला हूँ डीन सेल की प्रेजेंटेशन हमेशा रिप्रेजेंटेशन में हम पहले लिखते हैं

जो क्यूप्रिक एंड वन मोलर थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये कन्वर्ट हो गए रिड्यूस हो गए क्यूप्रिक में और, और सॉलिड बन गया आप अभी पर ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन भी कर सकते हैं नहीं भी मेंशन कर सकते तो ये एक प्रेजेंटेशन है से ये भी पता चल जाता है रिप्रेजेंटेशन से कि ये पहला हाफ ऑक्सीडेशन हाफ़ है दूसरा हाफ रिडक्शन हाफ़ है और क्या हुआ बिल्कुल सेल को देख के सारा अंदाजा हो जाता है कि इस ओवरऑल इसमें इस प्रोसेस में क्या हुआ हमें पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से हमें पता चला कि जिंक का जो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है जिंक का वो है दैट इज प्लस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स प्लस लिखा मैंने आपको लग रहा है कि शायद माइनस होना चाहिए माइनस एक रिडक्शन पोटेंशियल है सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल दिया बट साइन चेंज करने से वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाता है और इसी तरह से हमें कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल का पता जो सीरीज़ में दिया वह उसको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं वो एज इट इज़ यूज़ कर लें जो भी है वैसे भी रूल याद रखेगा हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है और रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होता है तो ये दोनों आपके सामने यहाँ आप ई नॉट एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं ई नॉट ऑफ द सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या वोल्टेज ऑफ द सेल या ई एम एफ द सेल सारी बातें एक ही हैं यहाँ पे इसको निकालने के लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करें रिडक्शन रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अच्छा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ई नोट आर डी भी लिखा जा सकता है और सिर्फ ई e नॉट भी लिखा जा सकता है तो खैर लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा इसके लिए नॉट e खाली नहीं लिखा जा सकता सो पुट द वैल्यू हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सीरीज से एज इट इज लिखी जाएगी जो नीचे होगा जो एलिमेंट सीरीज में नीचे होगा तो यहाँ पे सीरीज में जो नीचे एलिमेंट है वो कॉपर है तो कॉपर की वैल्यू एज इट इज लिखी गई और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो भी जो मैंने मेंशन है सीरीज में अगर ऊपर वाले एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल मैंने ऊपर वाले एलिमेंट का तो साइन चेंज करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बना ले जैसे मैंने बना लिया और उसको फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डायरेक्ट यहाँ लिख दें और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी मैंने जैसे बोला हमेशा प्लस में लिखा जाएगा और रिडक्शन पोटेंशियल भी हमेशा प्लस में लिखा जाएगा सिंपल वर्ड में इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यू को प्लस में कर लें और नीचे वाली वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट है वो हमेशा प्लस में पहले प्लस में जो ऊपर वाला अगर नेगेटिव है तो उसको भी प्लस में कर लें सो so, प्लस में किया आंसर निकाला सो दैट इज वन पॉइंट वन वॉल्ट और ये करंट भी यहाँ पर हमने यहाँ निकाल लिया तो इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर इन शाला आपका लेक्चर मुकम्मल प्रपेयर है डोंट वरी आपके सारे एम सी से क्लियर हो जाएंगे पास पेपर के भी और जो आने वाले वो भी